हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पार्ट फोर। और इसी के साथ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको PDF फॉर्म मिल सकता है, और फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब क्वेश्चन चालू करते हैं आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसके पहले 62 तक हम प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अगर अभी तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें हम बताते हैं वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का 63 नंबर। ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन देख लीजिए, लुइस पेस्चर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लैंडस्टेनियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लैंडस्टेनियर, जिसका आप फोटो देख रहे हैं। तो आंसर तो हो गया लैंडस्टेनियर, मगर चारों ऑप्शन को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो लुइस पेस्चर के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन जो हुआ था, या फिर पेस्चुराइजेशन जो था, वो इनके द्वारा खोजा गया था। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसको बोलते हैं? लुइस पेस्चर को बोलते हैं। विलियम हार्वे के बारे में जान जाइए, विलियम हार्वे जो थे ये फर्स्ट फिजिशियन थे जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बोला था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में इन्होंने, पहला फिजिशियन थे दुनिया के जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बोला था, कि जो ब्लड जो होता है वो मतलब कि कैसे चलता है बॉडी में, कैसे उसका क्या गति होता है और कैसे वो सर्कुलेट करता है। रॉबर्ट कोच के बारे में तो आपको पता ही होगा, देखिए रॉबर्ट कोच के बारे में पीछे भी हम आपको बता चुके हैं, तो रॉबर्ट कोच के बारे में जाकर आप पीछे से एक बार देख लीजिए। और रॉबर्ट कोच जो थे इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी का, देखिए जो बैक्टीरियोलॉजी फाउंड हुआ था उसमें तीन में बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, एक तो उसमें रॉबर्ट कोच थे, दूसरा थे लुइस पेस्चर थे, और तीसरा थे फेरडेंट कॉन। तो ये तीनों साइंटिस्ट जो थे वो बैक्टीरियोलॉजी के लिए भी फेमस थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत किसके किसने किया? ठीक है, तो देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का देखिए जहाँ तक बात है, चार ऑप्शन देख लीजिए, स्पेंसर, डॉर्विन, वैलेक और होक्सले। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉर्विन। आपको पता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डॉर्विन के द्वारा ही किया गया, बाकी सब ऑप्शन जो है वो किसी भी साइंटिस्ट से रिलेटेड नहीं है, बस जनरल कोई या तो सिंगर है या फिर, तो ऑप्शन डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम, हमें मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? देखिए मॉर्फिन का जहाँ तक बात है, चार ऑप्शन देख लीजिए, फूल मतलब फ्लावर, लीफ, फ्रूट या स्टीम। तो आप ओपियम प्लांट देखे होंगे, अफीम का पेड़ जिसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉपी प्लांट, आप इसको याद कर लीजिएगा, पॉपी प्लांट बोला जाता है, ये एग्नियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, और हम लोग को इसी से मिलता है मॉर्फिन। मॉर्फिन का प्राप्ति जो होता है वो अफीम के पौधे से मिलता है। तो ये क्या हो गया? ये अफीम का फल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, विच कंपाउंड प्रेजेंट इन द डीएनए डज नॉट फॉर्म द एमिनो एसिड, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है? तो आप जैसे ही आप सेल पढ़ोगे, जैसे कि आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें डबल हेलिक स्ट्रक्चर में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा थ्रायोसिन जो होता है वो एमिनो एसिड नहीं फॉर्म करता है, और किसी भी सेल के लिए 22 तरह का एमिनो एसिड जरूरी होता है, तो उसमें ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन, देखिए जंपिंग जीन के बारे में, देखिए जंपिंग जीन चार ऑप्शन, जंपिंग जीन का सिद्धांत को किसने दिया? तो चार ऑप्शन देख लीजिए, जॉर्ज जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, मारबेरा, एमसी क्लिंटॉक, फिर या वॉटसन और क्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मारबेरा, एमसी क्लिंटॉक।
इसका आंसर तो आप देख लीजिए चारों ऑप्शन के बारे में। मेंडल के बारे में सबको पता होगा कि मेंडल ने, जॉर्ज मेंडल क्या किए थे, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका योगदान साइंस में नहीं है। वाटसन क्रिक के बारे में जान लीजिए, ये डीएनए जो होता है, हम लोग जो डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसका खोज किसने किया है, वो किए हैं वाटसन और क्रिक ने। तो ये इसका आंसर हो गया सी, और बाकी सब भी हम डिस्कस कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो बैरबेरा एम सी क्लिंटॉक हैं उनको नोबल प्राइज मिला है कब, 1983 में, इसी के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड टू सप्लाई नाइट्रोजन टू, ब्लू ग्रीन शैवाल का इस्तेमाल डैश को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। देखिए, बाजरे, मेज, पैडी या वीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा पैडी। और ये क्या करता है, ये साइनोबैक्टेरिया, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम भी एक देख लीजिए, दूसरा नाम क्या है, साइनो बैक्टीरिया, ये इसका दूसरा नाम है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी के जगह साइनो बैक्टीरिया भी लिख दिया जाए तो आपको ये जानना होगा कि क्वेश्चन यदि आ जाता कि साइनो बैक्टीरिया इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन टू, तो पैडी ही होता, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम ही है साइनो बैक्टीरिया। और ये किस लिए यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है इसको, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द स्केलेटन, स्केलेटन में टोटल कितने हड्डियां होती है, मानव कंकाल में कितने हड्डियां होती हैं। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन 280, 200, 220 या 206, तो टोटल कितना हो गया, 206। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कितना हड्डी होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख कर बताइए, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 206 से बहुत ज़्यादा हड्डियाँ रहती हैं, तो कितना होता है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। देखिए, एन एंटीजन इज द सब्सटेंस विच, एक प्रतिजन का पदार्थ पदार्थ है जो, देखिए एंटीजन के बारे में हम पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुके हैं, एंटीजन होता क्या है पहले ये बता देते हैं। जैसे देखिए, आपके शरीर में एंटीजन पैदा होता है WBC से, जिससे कि व्हाइट ब्लड सेल होता है, उससे एंटीजन पैदा होता है, और वो एंटीजन एंटीबायोटिक बनाता है जो आपके शरीर में किसी भी रोग से लड़ने का क्षमता प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर में घुसा तो वो उससे लड़ने के लिए एंटीजन क्या करता है, एंटीबायोटिक बनाता है और उस बैक्टीरिया को मार देता है। तो जिस भी व्यक्ति का एंटीजन कमज़ोर हो जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने चालू हो जाएगा। जैसे एड्स में क्या होता है, आपका क्या होता है, आपके शरीर में जब एड्स का वायरस घुसता है तो वो एंटीजन बनने कम हो जाता है, मतलब आपका शरीर का जो एंटीजन बनाने की कैपेसिटी होती है उसको वो बंद कर देता है वायरस। तो आप दिन पर दिन कोई भी छोटा मोटा चीज़ बीमारी होगा तो आप इफेक्टेड हो जाओगे, तो फिर आपको एंटीजन बाहर से लेना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एंटीजन के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब चार ऑप्शन देख लेते हैं। लोअर बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को कम करता है, डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, इज यूज्ड एन द एंटीडोट टू पॉइजन, विष के लिए एक मतलब पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, मतलब कि आपके शरीर को क्षमता प्रोवाइड करता है दूसरे वायरस बैक्टीरिया ये सबसे लड़ने के लिए, इम्यून सिस्टम को तगड़ा करता है। चलिए देखते हैं, लाइट एनर्जी चेंजेज इनटू द केमिकल एनर्जी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन या फिर स्पीविंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता ही होगा, ये कभी आंसर नहीं हो सकता, ये आपको सेल जब आप पढ़ोगे, सेल बैटरी जो होता है उसमें इसका यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी जब सूर्य से रोशनी आता है, पौधा क्या करता है, अपना जो खाना बनाता है वो सूर्य के लाइट से ही तो बनाता है, और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72। कैसीन इज मिल्क, कैसीन दूध है। तो देखिए, कैसीन होता क्या है,
जो मिल्क का वाइट कलर होता है वो कैसिन के कारण ही होता है। इसमें दो तीन और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मगर मेनली मिल्क का जो कलर वाइट होता है वो कैसिन के कारण होता है। और कैसिन जो है कहाँ पाया जाता है, चार ऑप्शन देख लीजिए, बैक्टीरियम, शुगर, प्रोटीन या फैट। तो देखिए कैसिन जो होता है ये प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा कैसिन प्रोटीन में होता है, और ये दूध का जो वाइट कलर होता है उस कैसिन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 का सी, प्रोटीन इसका आंसर हो गया। देखिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबाना नहीं भूलिए। देखिए लाइक बटन जब जरूर दबाया कीजिए, क्योंकि अभी देखिए ये 800 लोग देखते हैं या फिर 1000 लोग देखते हैं, तो उसमें सिर्फ 100 या 200 लोग इस लाइक बटन को दबाते हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए BMD टेस्ट इज हेल्प फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, BMD टेस्ट डैश के और रोग निर्णय के लिए किया जाता है। तो देखिए BMD टेस्ट किसके लिए किया जाता है, चार ऑप्शन देख लीजिए, डेंगू, मलेरिया, ऑस्टोफोरोसिस या फिर एड्स। तो आपको पता है कि एड्स के लिए कौन बीमारी का कौन सा टेस्ट होता है, इलिसा टेस्ट जो होता है, ये पहले हम आपको बता चुके हैं, इलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए होता है। तो ये तो आंसर एटलीस्ट नहीं होगा, मलेरिया के लिए नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा, ये होता है ऑस्टियोफोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका हड्डी होता है ना वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसका मिनरल बनाना जो डेंसिटी होता है हड्डी का वो कम हो जाता है, मतलब कि खोखलापन आने लगता है हड्डी में। देखने में तो हड्डी ठीक रहेगा मगर वो उतना मजबूत नहीं रहेगा, उसके बीच में पोरस हो जाता है, खाली खाली सा होने लगता है। तो देख लीजिए ये मशीन है, इसी को BMD बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्क्रीन लगा रहता है, उससे कंप्यूटर से लिंक, वहाँ पर वे डॉक्टर जांच करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके हड्डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोफोरस, और हड्डी के पढ़ाई को ऑस्टियोलॉजी भी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोबाल 60 इज कॉमनली यूज इन द रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स, कोबाल 60 जो है सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह डैश उत्सर्जन करता है। चार ऑप्शन देख लीजिए, अल्फा रेज का, बीटा रेज का, गामा रेज का या एक्सरे का। तो कोबाल 16 जो है ये गामा रेज का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आप लोग विटामिन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि इन चारों में से कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो आपको नाम बताना है, हम विटामिन का चार ऑप्शन भी दे देते हैं, विटामिन B1, B6, B3, B2, B3 या फिर B12, ये चारों में से किस ऑप्शन में विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है, आंसर में जरूर लिख के बताइएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाई, देखिए हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, लीवर डिजीज है, आपको पता है कि इसमें हेपेटाइटिस जिसको होता है उसका लीवर खराब हो जाता है, और ये किसके कारण होता है, ये होता है आपको DNA वायरस के कारण। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे आपको जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस में क्या होता है, पीलिया रोग जिसको बोलते हैं आप, वहां पर क्या होता है, बिलुरुबिन होता है, बिलुरुबिन का मात्रा आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको जॉन्डिस हो जाता है। वहीं जॉन्डिस का इलाज अगर सही से नहीं हुआ तो आपको लीवर को अफेक्ट करता है। आपको पता है कि आपका जॉन्डिस कब होता है, जब आपका लीवर कमजोर हो जाता है और बिलुरुबिन जो होता है वो पीलिया बढ़ जाता है आपके शरीर में, जो गल ब्लैडर है वो स्टोर करना कम कर देता है, भर जाता है पूरा, तो शरीर आपका पीला पड़ने लगता है, आँख पीला हो जाएगा, तो आपको जॉन्डिस पता चलता है, उसमें लीवर खराब होता है। तो जब जॉन्डिस का ही हायर वर्जन में जाइएगा तो वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का रूप ले लेता है। और देखिए हेपेटाइटिस ए बी का इंसुलिन से भी संबंधित क्वेश्चन आता है, उसको भी हम बता देंगे आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DNA वायरस जो होता है ये इसका आंसर होता है, कि कौन से द लीवर डिजीज हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो वो DNA वायरस, डीऑक्सीराइबोनाइक्लिक एसिड इसका नाम है। देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, देखिए चट्टानों पर उगने वाले पौधे को कहते हैं, जो चट्टान पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं, चार ऑप्शन देख लीजिए, इफिथाइट्स, हेलोफाइट्स, एक्जिरोफाइटस और लिथोफाइटस। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथोफाइटस। जैसे कि आप देख रहे हो चट्टान में देखते हो कि कहीं कहीं पर एक फूल पत्ती ये सब निकल जाता है, कोई भी पेड़ निकल जाता है, उसके जो प्लांट ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिथोफाइटस।
तो इसका आंसर क्या हो गया, लिथोफाइटस। अब देखिए इसका एक और नाम है, उस नाम को भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा नाम क्या है, इपीपेट्रिक प्लांट। इसको और क्या बोल सकते हैं, इपीपेट्रिक प्लांट। अगर आपको ऑप्शन में लिथोफाइटस नहीं दिखा तो आपको क्या आंसर मारना पड़ेगा, इपीपेट्रिक, सॉरी इपीपेट्रिक हो गया। और उसके बाद अगर इपीपेट्रिक भी नहीं मिला आपको ऑप्शन में तो इसका आंसर क्या मारना पड़ेगा, ईपी लेथिक प्लांट। ईपी लेथिक प्लांट भी वही होता है जो मतलब रॉक पर ग्रो होता है, मतलब चट्टानों पर जो प्लांट ग्रो होता है उसका तीन नाम है, लिथोफाइटस, इपीपेट्रिक प्लांट और ईपी लेथिक प्लांट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ईपी लेथिक है यहाँ पर, ईपी एल है यहाँ पर, ईपी लेथिक प्लांट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस मतलब WBC इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सफेद रक्त कणिकाओं का व्यास है। चार ऑप्शन देख लीजिए, 0.007 mm, 0.7 mm, 0.07 mm या फिर 0.0007 mm। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.007 mm आंसर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और कुछ बताना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ देख लीजिए। देखिए नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। देखिए 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हम लोग के WBC बनता है हम लोग में। दे मेक अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द हेल्दी अडल्ट। मतलब कि आपको 5 लीटर अगर खून है तो इसका 1% जो है वो WBC बनता है। आपके शरीर में जितना भी ब्लड है उसका 1% जो है वो WBC बनता है उसका। तो सोचिए कितना WBC इंपॉर्टेंट है। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब कि जब अगर आपके शरीर में WBC का मात्रा बढ़ जाए ओवर द अपर लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक WBC को होना चाहिए और वो बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, ल्यूकोसाइटिस आपको रोग हो जाता है। और अगर एक सर्टेन लिमिट से WBC का मात्रा घट जाता है तो उसको ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ल्यूको साइटोसिस जो होता है, एक सर्टेन लिमिट से WBC अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे होता है आपको ल्यूकोसाइटिस, और एक जो लिमिट बना हुआ उससे अगर बहुत कम हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। WBC को क्या बोलते हैं, ये फाइट करने के लिए आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को तगड़ा रखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रॉम द ब्रिंजल नोन एज द BT, देखिए BT ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज, ब्रिटी ब्रिंजल के नाम से जाने जाने वाला बैगन का अनुवंशिक रूप से इंजीनियर रूप विकसित किया गया है। इसके उद्देश्य हैं, चार ऑप्शन देख लीजिए, टू मेक इट पेस्चर रेसिस्टेंट, इसे कीट प्रतिरोधक बनाने के लिए, टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड द न्यूट्रिप वैल्यू, इसके स्वाद और पोषक मूल्य में सुधार करने के लिए, टू मेक इट्स ड्रॉट रेसिस्टेंट, इसे शुष्कता प्रतिरोध बनाने के लिए, टू मेक इट सेल्फ एज द लाइफ लॉन्गर, इसके सेल्फ जीवन को लंबा बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट रेसिस्टेंस में, कीट प्रतिरोध मतलब कि कीट प्रतिरोध बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बीटी ब्रिंजल का। हालांकि अब भारत में बीटी ब्रिंजल को बैन कर दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है ये, तो इसका अब शायद भारत में बंद कर दिया गया है बीटी ब्रिंजल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, मानव शरीर के रक्त रक्तचाप कितना होता है। तो इसका आंसर चार ऑप्शन देख लीजिए, पहले लेसर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760 mm होता है, और हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, हम लोग का ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है जो 120 होता है मैक्सिमम और 80 होता है मिनिमम mmHg, ठीक है। तो अब लोग सोच रहे होंगे कि 760 तो बड़ा है 120 से, हाँ ये बड़ा है, मगर जब
बात होता है ब्लड प्रेशर का, तो आउटर ब्लड अधिक, अगर बाहर में अगर प्रेशर ज़्यादा हो और आपके बॉडी का यदि प्रेशर कम होगा, तो आपको देखिए जैसे माउंटेन पर लोग चढ़ता है तो नाक और कान बगल अगर प्रेशर घटने लगता है तो ब्लड आने लगता है। तो हम लोग का ब्लड प्रेशर अब कितना हो गया, 760 प्लस 120, तो ये कितना हो गया, 880 विथ रिस्पेक्ट टू बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग का शरीर का एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर बाहर के मुकाबले देखा जाए तो 880 होता है, और बाहर का कितना हो गया, 760। तो 760 अगर घटाते हो जब 880 में से, तो 120 जो होता है वो नॉर्मल माना जाता है हम लोग का। तो इस चीज़ का बहुत कम लोग को पता होगा कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो बॉडी का होता है वो एक्चुअल में एटमोस्फेरिक प्रेशर और प्लस हम लोग के बॉडी का प्रेशर, मतलब कि टोटल 880 होता है, MMHg होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसी भी जगह पर, आप नॉर्मली कहीं पर ऐसा थोड़ी होता है कि प्रेशर कम हुआ तो आपके जैसे कि नोज बगर ब्लड आने लगेगा, ऐसा नहीं होता। जब मगर आप माउंटेन पर चढ़ते हो तब बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसके कारण कभी कभी आपको ब्लड आता है नाक से। कभी कभी यहाँ पर भी बहुत लोग का होता है कि देखोगे कि जब प्रेशर हाई होगा तो ब्लड से नाक आने, मतलब खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है नाक से, नोज से। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग के शरीर का एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर से, ठीक है। चलिए देखते हैं, व्हाट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ। सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड मैरो, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ, या सीक्रेशन कमिंग आउट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि के बाहर आने वाला स्राव। तो ये हेमोग्लोबिन आपको क्या बोला जाता है, हेमोग्लोबिन हम लोग का ब्लड जो होता है उसमें पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का जो ब्लड होता है वो लाल बोला जाता है, जिसमें आयरन होता है, ठीक है। कौन सा मेटल पाया जाता है ब्लड में, तो आयरन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्सटेंस फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन के प्रक्रिया के में नहीं बदलता है। तो हम लोग को कहने का मतलब, रिस्पिरेशन, सबसे पहले आप लोग रिस्पिरेशन देखिए, ठीक है। श्वास, श्वसन की प्रक्रिया, मतलब कि रिस्पिरेशन होता है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ, जो हम लोग हवा बाहर से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसी के प्रोसेस को रिस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब हम लोग हवा लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि जब हम लोग इनहेल करते हैं हवा, तो बाहर कौन कौन सा आपको गैस मौजूद है, तो बाहर में आपको मौजूद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये और स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस। ये मेनली चार पांच जो गैस है वो हम लोग इनहेल करते हैं। जैसे आप सांस ले रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आप हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, मगर उसमें सारा कुछ जाता है। ऐसा थोड़ी है कि अब हवा में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, आर्गन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। तो इसमें से शरीर ऑक्सीजन को यूज करता है और बाकी सबको बाहर कर देता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो शरीर में जितना परसेंट जाता है उतना ही बाहर आता है, तो वो इकलौता ऐसा, चार ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर या नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, अगर आपके शरीर में मान लीजिए कि आप कुछ हवा लिए, इसमें से कुछ ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, आर्गन गया, नाइट्रोजन गया, अदर सारा गैसेस आप इनहेल किए, तो इसमें से नाइट्रोजन जो होगा वो जितना आप लोगे उतना ही बाहर निकलेगा, बाकी सबके मात्रा में थोड़ा बहुत का अंतर पड़ता है और ऑक्सीजन में ज़्यादा अंतर पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बोन्स और टीथ के लिए, हड्डियां और दांतों के गठन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। चार ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है वो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए काम आता है। और कौन सा विटामिन जो होता है वो हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन में आप लोग कमेंट में लिख के बताइए, कौन सा विटामिन जो होता है और कौन से विटामिन जो होता है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे कौन सा अगर आप
उस विटामिन को नहीं लेते हो तो उससे कौन सा रोग होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए देखते हैं। प्लेग्यू फॉर्मड ऑन द टीथ्स टीथ आर मेड अप ऑफ, दांतों को दांतों पर निर्मित पैलेक्स किससे बनते हैं। देखिए जब आप देखते होंगे कि बहुत लोग का दांत जो होता है उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है या फिर पीला पीला हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, वही है। चार ऑप्शन देख लीजिए, फूड पार्टिकल वाली, फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा, फूड पार्टिकल सलाइवा प्लस माउथ एसिड, तो ये, और चौथा ऑप्शन है फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको जब आप खाना खाते हो तो फूड पार्टिकल्स वहाँ पर जमता है, ठीक है, आपका सलाइवा और प्लस माउथ का जो एसिड होता है ये सारा मिलकर वो पीलापन आ जाता है दांत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। द बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाई द इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड, देखिए चार ऑप्शन देख लीजिए, लिगामेंट, फाइबरस टिश्यू, फाइब्रिन या मस्कुलर टिश्यू। देखिए लोचदार, पहले हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग को जो बोन्स होता है, बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है वो किसके कारण होता है, लिगामेंट के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिगामेंट्स। और मसल्स टू बोन कनेक्शन किसके कारण होता है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टीम ऑफ द ट्री हैज बीन 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। एक तने के पार अनुभाग में 50 वृत्त हैं, तो पेड़ की उम्र क्या होगी। तो कहने का मतलब है कि जो ट्री को काटा गया है उसमें टोटल 50 रिंग हैं, देख रहे हैं रिंग, आप देख सकते हैं रिंग। तो ये जो रिंग होता है ना, एक रिंग जो होता है वो 1 साल का रिंग होता है। तो अगर किसी भी ट्री में, किसी भी पेड़ में 50 रिंग है तो उसका उम्र कितना हो गया। चार ऑप्शन देख लीजिए, 50 मंथ, 5 ईयर, 25 ईयर या 50 ईयर। तो इसका उम्र हो गया 50 साल। अगर जितना रिंग होगा उतना, अगर 100 रिंग है 100 साल, 500 रिंग है तो 500 साल पुराना पेड़ है वो, ठीक है। तो इसका, इसमें 50 रिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका 50 साल पुराना पेड़ है ये। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द mg पर dl ऑफ ए ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। उपवास के समय सामान्य व्यक्ति में ब्लड शुगर के mg dl की सीमा क्या है, 40 से 60, 120 से 150, 70 से 100 या 160 से 200। तो देखिए जो ब्लड शुगर होता है जब हम लोग फास्ट करते हैं तो उस वो होता है 70 से 100 के बीच में, और जैसे ही हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद ये हो जाता है 180 mg पर dl। तो ये दोनों याद रखिएगा, खाना खाने के पहले होता है 70 से 100 और खाना जैसे ही हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके बाद 180 mg पर dl हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट ह्यूमन इजली देन डैट ऑफ द मैन, निम्नलिखित में से कौन से बीमारियों पुरुषों के तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करता है। तो इसका देख ले, चार ऑप्शन देखिए, हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस, ज्वाइंट अथराइटिस या फिर अथराइटिस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हार्ट अटैक। इन कंपेरिजन टू मैन वुमेन्स इजली गेट हार्ट अटैक, तो औरतों में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। तो ऑप्शन इसका ए हो गया आंसर। चलिए देखते हैं। अंगोरा उल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है और एक बार रेलवे में भी पूछा जा चुका है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, चार ऑप्शन देख लीजिए, रैबिट, खरगोश, सीप, भेड़, फॉक्स, लोमड़ी या गोट, बकरी। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं अभी तक आप ऐसा रैबिट नहीं देखे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा रैबिट। अंगोरा उल रैबिट से मिलता है, ये रैबिट है, इसका मुंह देख लीजिए यहाँ पर है, ये इसके ऊपर पूरा ऊन सा लग जाता है, इसको काट के हटाया जाता है फिर ये ग्रो करता है, फिर हटाया जाता है और इसको यूज में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैबिट, खरगोश। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ, हमारी हड्डियाँ और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं। देखिए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपेटिट, क्लोरोपेटिट या फिर हाइड्रोलिथ। तो हम लोग का जो दांत होता है वो बना रहता है आपको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, और फार्मूला भी देख लीजिए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 का होल 2, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको
ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? चार ऑप्शन है, पारासीटामोल, पेंसिलिन, एम्पीसिलिन या फिर क्लोरोफिनिकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पीसिलिन जो है, एम्पीसिलिन जो होगा वो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आपको पता होगा, जैसे हम बताए थे कि हम लोग के शरीर में WBC होता है। WBC क्या करता है, जिसको हम लोग WBC को व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वो एंटीजन बनाता है और एंटीजन एंटीबायोटिक बनाता है। और वही एंटीबायोटिक जो होता है उसी का एक होता है रूप बोला जाता है कि एम्पिसिलिन जो होता है, ये बाहर से हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग के शरीर का एंटीबॉडीज काम करना बंद कर देता है तो एम्पिसिलिन लेते हैं तो एंटीबायोटिक ठीक होता है। हम लोग मतलब कि एंटीजन मिलता है, उससे हम लोग के शरीर का लड़ने का क्षमता बढ़ता है। तो एक तरह से लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में इसका नाम आता है एम्पिसिलिन का। ठीक है, चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।